अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरे पास सिस्टम पड़ा हुआ है, ठीक है, रिपेयर के लिए आया हुआ है, कस्टमर का है, ठीक है। एचपी मॉडल इसका है, 7600 मॉडल है इसका, ठीक है। ये इसमें जो है ना लाल बत्ती ब्लिंक कर रही है, ठीक है। इसको पावर केबल लगाते हैं तो लाल बत्ती जो इसकी है ना ब्लिंक करती है, आवाज़ दे रहा है, बीप दे रहा है यानी कि। अभी केबल लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसमें इशू क्या होता है, ठीक है। ये देखें, अभी इसको पावर केबल हम लगा रहे हैं, ठीक है। ये पावर केबल लग गई है इसकी, और ये देखें, ये देखें लाल बत्ती ब्लिंक कर रही है, ठीक है। ये देखें ब्लिंक कर रही है। ये मॉडल है एचपी 7600, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या इश्यू है, आप देखें, ठीक है। सबसे पहले आपने पावर केबल निकाल लेनी है इसकी, इसको आराम से ओपन करना है। इसकी लाकें होती हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से दो लाकें होती है, वो पुश करना पड़ता है, ठीक है जी। ये एचपी का 7600 मॉडल है, इसको ओपन कर दिया है हमने, ठीक है। ये देखें लाल बत्ती इसके अंदर ब्लिंक कर रही है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसकी पावर केबल निकाल लेनी है, पावर केबल निकाल लिया है इसकी हमने, ठीक है। ये ओपन हो गया है। सबसे पहले हमने इसकी रैम निकालनी है पीसी में से, ठीक है। ये पीसी में से रैम निकल गया है इसकी, इसको सफा करना है इस तरीके से। ये देखें, अगर आपके पास रेज़र हो तो रेज़र के साथ कर लें, अगर रेज़र नहीं है आपके पास तो आप इसको किसी कपड़े के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये सलाड के अंदर लगानी है, ठीक है, आराम से, ठीक है। ये दोनों तरफ से ये लग गई है, अब इसकी पावर केबल लगा रहे हैं हम जी। जी देखें, अब ये हमारा पीसी ऑन हो गया है, ठीक है। अभी सिस्टम की विजे भी लगी हुई है, ये देखें डिस्प्ले आ गया है, ठीक है। ये मिट्टी वगैरह की वजह से ये इशू आ जाता है, या नमी की वजह से, ठीक है। अक्सर ये इशू आता है, रैम के अंदर आता है, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।